अग्रसेन जी की जय हो। महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट कन्या विद्यालय बहुत बड़ी ट्रस्ट है, बहुत बड़ा विद्यालय है और इस ट्रस्ट के अंदर 51 ट्रस्टी हैं, जिनमें आज लगभग 46 ट्रस्टी अभी हैं। उन 46 ट्रस्टियों में सबका एक मान सम्मान है, सबका प्यार है, सबका आशीर्वाद है। आज उन सभी ट्रस्टियों के आशीर्वाद से आज का चुनाव रखा हुआ था। सभी ने आज पुरानी टीम को अपना आशीर्वाद देकर पुरानी टीम को ही घोषित किया है। श्री अनिल जी गनेरीवाला प्रधान के रूप में, श्री भीम जी सराफ वाइस प्रधान के रूप में और श्री कुंज बिहारी जी रातुसरिया सेक्रेटरी के रूप में और ज्वाइंट सेक्रेटरी हमारे रतन जी जिंदल है, अभी वो कोई कारणवश से यहाँ से भी चले गए, और सचिव आपने कैसियर के पद पर श्री सुनील जी सराफ, ये पूरी टीम यहाँ आज इसी पद पर रहकर अपनी सेवाएं देगी। महाराजा अग्रसेन स्कूल में पिछले जो रिकॉर्ड एक तोड़ जो 1990 के बाद जो 500 बच्चे एक साथ आए थे वो पिछले साल आए थे, उसके बाद लगातार जो प्रोग्रेस की है सभी के आशीर्वाद से, सभी ट्रस्टियों के आशीर्वाद से, प्रेम प्यार से, तो ये स्कूल बहुत ऊंचाइयों पर चला गया है और बहुत ज़्यादा इन्होंने स्कूल में तरक्की करी है। उसी को देखते हुए उनका आज प्रणाम है कि इसी टीम को दोबारा यहाँ रख दिया गया है और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये टीम अपनी तन मन धन से इसी प्रकार से सेवा करती रहे। ये यहाँ पर अपने जो बच्चे हैं, अभी लगभग 2500 बच्चे हैं, आने वाले दिनों के अंदर यहाँ ये स्कूल के अंदर 5000 बच्चों के लिए कैपेसिटी है और 5000 बच्चे शहर के आ सकते हैं। ये बहुत जो उच्च क्वालिटी की विद्या है वो इस टाइम महाराजा अग्रसेन स्कूल में और बहुत तरक्की करी, आप भी देखेंगे, मैं आपको भी दिखाऊंगा अभी स्कूल सारा कि इन 2 सालों में बहुत ज़्यादा तरक्की करी है स्कूल ने सभी ट्रस्टियों के आशीर्वाद से। तो मैं यही चाहूँगा कि शहरवासी भी अपना आशीर्वाद दें अपने बच्चे के भविष्य के लिए महाराजा अग्रसेन स्कूल में आकर, एक बार स्कूल की बिल्डिंग को, इनकी सेवाओं को, जो टीचर्स सेवाएं दे रहे हैं उनकी सेवाएं देखें कि उच्च क्वालिटी की हमारे बच्चों को जो भविष्य के लिए जो चाहिए वो मिल रहा है आज अग्रसेन स्कूल में, तो उसी की आज देखते हुए आज ये जो चुनावों के अंदर आज की जो तारीख रखी थी तो सभी ने आशीर्वाद दिया। मैं सब ट्रस्टियों का प्रेम प्यार से इन सभी को आप बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत उनको कहता हूँ कि आपके स्कूल और दिन रात तक की करता है। गोविंद जी, अग्रसेन स्कूल के चैरिटेबल ट्रस्ट के जो चुनाव होते हैं उन पर पूरे लोगों की काफ़ी निगाहें रहती है, काफ़ी टफ मुकाबला रहता है, सर्वसम्मति बनी है, क्या माना जाए, किस तरह से ये भाईचारा कायम हो रहा है? देखिए, ये महाराजा अग्रसेन स्कूल का एक इतिहास है और महाराजा अग्रसेन जी का एक आशीर्वाद है कि जो पुरानी टीम काम कर रही थी, जो पुरानी टीम अपना वर्क कर रही थी, जो टाइम दे रही थी, इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम देके आज स्कूल को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाने का काम किया है। तो सभी ने इनको आशीर्वाद देके, ये एक रिकॉर्ड बनाया गया, रिकॉर्ड तोड़ा गया है कि पूरी टीम को ये आशीर्वाद देके पूरी टीम को ये आज दोबारा घोषित किया गया। ओम जी, चुनाव होते हैं ट्रस्टी, लेकिन समय उसमें बहुत कम रखा गया है, किसी में साल है, किसी में 2 साल है, क्यों ना इसका अगर समय बढ़ जाए
तो सोचने समझने में टाइम लग जाता है। ये जनरल बॉडी की अभी एक मीटिंग होगी और उसके अंदर अभी जनरल बॉडी की मीटिंग प्रधान जी अभी उसके बाद रखे गए और ये प्रस्ताव रख के 3 साल का इसका टाइम बढ़ाया जाएगा या बाकी जो ट्रस्टी जनरल बॉडी में जो डिसाइड करेंगे हमारे बहुत ही सीनियर माननीय हमारे बीच में सुमेर चंद जी गर्ग बैठे हैं, ये इनका आशीर्वाद है, सभी ट्रस्टियों का आशीर्वाद है, उसी हिसाब से जो ट्रस्टी चाहेंगे उसके हिसाब से कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई अगर कोई इतराज है तो नहीं होगा, अगर इतराज नहीं है तो बढ़ा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके अंदर अगर जितना ज़्यादा टाइम एक टीम को मिलता है तो उसका भविष्य ज़्यादा बढ़िया होता है, उसको ज़्यादा वर्क का टाइम मिलता है। देखो कोई भी चीज़ लें आज हमें जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा उतना ही ज़्यादा बढ़िया रहता है। हमेशा चुनाव होते हैं या आज कितने सालों बाद सर? चुनाव तो हर 2 साल के बाद होते हैं, लेकिन ये मेरी ख्याल पहला मौका है जबकि महाराजा अगर साइंस स्कूल में चुनाव नहीं हुआ। कितने सालों बाद है ये? जब से ट्रस्ट बना ट्रस्ट सब ट्रस्टियों का बुजुर्गों का आशीर्वाद और भाइयों का साथ, और ख़ास तौर पे मैं गोविंद जी के लिए जोर शब्द कहूँगा, इनके सहयोग से, इनके सारे सहयोग से इनका ये शुरू से था, अभी ये पूरी टीम बने। जब जब भी इस ट्रस्ट की मीटिंग हुई है इन्होंने ये चाहा भी ये पूरी टीम ऐसे ही काम करती है, इसको हमें बहुत आगे ले जाना है। तो मैं ख़ास तौर पे गोविंद जी के लिए जरूर कहूँगा भाई आज ये जो भी सारा जो बैठ के सारा जो सिस्टम बने ये सब इनकी वजह। आप में क्या ऐसी खूबी है जो आपको बार बार किसी सीट पे देखना चाहते हैं? ऐसी ऐसी मेरी ये मैं इसके लिए जरूर कहूँगा ये 2 लाइनें, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना कि मरते दम तक सेवा में लगाए। ये असली असली कारण ये है, ये उसकी देख है। इंसान तो एक नाम मात्र काम करने वाला सब, और इनकी बैग में मैं अक्सर इनके लिए कहता हूँ भाई मेरे उन दिनों में जिस दिनों में घायल था मैं, मेरे गोविंद जी शायद मैं आखिरी सांस तक नहीं बुला सकूँगा, ये मेरा खास तौर पर मैं इनको अपने दिन अब मैंने कहा मका जी आप और किसी को सेवा का मौका दे पाए क्या आप मेरे से कोई आपके छोटे भाई से? मगर नहीं जी और दे दो, आप 6 साल हो गए लगातार, कितना तक कहाँ तक बढ़ूंगा? क्या नहीं आपको चलाना है? इनके मेरे पास शब्द नहीं है इनके कहने। इस बार सर्वसम्मति बनी है जी पहली बार, तो अब क्या माना जाए कि स्कूल में क्या कुछ नया बदलाव नया प्रताप ले पूरा चुनाव की हमारा ये पुराना प्रक्रिया हो गई है। अच्छा वैसे चुनाव प्रक्रिया हो गई सारी सारी नॉमिनेशन वगैरह 10 से 1 बजे का टाइम रखा गया था वकील साहब इनवाइट करके, मैं कोई ये नहीं आया सामने नहीं मेरा कहने ये है कि जब अब आप चौथी बार प्रधान बने तो अब क्या माना जाए स्कूल के लिए, क्या कुछ नया कुछ डाले स्कूल के लिए? अभी कुछ जैसे बीच में कुछ काम पेंडिंग थे अपने 5th तक एसी था, अब हमारी ये है वो पूरा खुद 10th तक हम एसी कर देंगे स्कूल को, सोलर कुछ और बड़े लगाने हैं, कुछ ये इनके आशीर्वाद से ये काम इनके लिए युवकों को गोविंद जी से मेरी ये रिक्वेस्ट है भाई ये एक इसका जो स्कूल का गेट है ये बहुत डबल गेट चाहते हैं इतना कुछ काम ऐसे जो पेंडिंग है, अब हमें मौका मिल गया हमारी टीम काम करें।